ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक विश लिख सकते हो। आगे क्या हुआ जाने से पहले, अगर आप माँ को प्यार करते हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नदी के पास गया, तब वो नदी में कूद पड़ा। नदी गहरी थी, वह तुरंत ही डूबने लगा। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और वो रमाकांत को बचाकर नदी के किनारे ले आया। थोड़ी देर बाद जब रमाकांत की नींद खुली, अरे आपको होश आ गया? आपको जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में क्यों गए? आप डूब रहे थे और मुझे आपको बचाना पड़ा। अरे भाई, मैं आत्महत्या करने के लिए कूदा था, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? क्या समय आ गया है, कोई चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसा मत कहिए, भगवान ने ये कीमती जान इसलिए नहीं दी कि आप आत्महत्या करके इसे खत्म कर लें। तो क्या करूं, हर दिन घोट घोट कर मरता रहूं? उसके बाद उस आदमी ने एक डायरी और पेन निकाला। उसे देखकर रमाकांत ने कहा, अरे भाई तुम भी कोई सेल्समैन हो क्या जो डायरी और पेन बेचते हो? ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक विश लिख सकते हो। जैसे ही तुम वो विश लिखोगे, तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। अरे भाई, सुबह से कोई नहीं मिला है क्या तुम्हें? देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। रमाकांत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार लिख कर तो देखो विश। रमाकांत को विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पहली विश उस डायरी पर यह लिखी कि उसे 10,000 रुपए मिल जाए। जैसे ही उसने विश लिखी, उसके हाथ में 10,000 रुपए आ गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं जादूगर नहीं, जिन्न हूँ। अगले दिन उसने उस डायरी के एक पन्ने में एक बहुत बड़े घर की विश लिखी। वो किराए के छोटे से घर में रहकर तंग आ चुका था। तुरंत ही उसे एक आलीशान घर मिल गया। फिर उसने एक महंगी कार की विश दी, वो भी पूरी हो गई। लाखों रुपए मांगे, वो भी मिल गए। कुछ महीनों बाद अब वो पुराना रमाकांत नहीं रहा। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, दौलत, शोहरत, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, बस मेरी महबूबा कामिनी ही नहीं है। आज इस डायरी में आखिरी विश लिखकर उससे शादी कर लूँ। ये सोचकर वो डायरी के आखिरी पन्ने में अपनी आखिरी विश लिखने लगा। लेकिन ये क्या, वो उसके आखिरी पन्ने में अपनी आखिरी विश लिखने की लाख कोशिश करता, लेकिन वो लिख नहीं पाता। अचानक वो जिन उसके सामने प्रकट हो गया। जिन भाई, ये देखो, तुम्हारी जादुई डायरी और पेन खराब हो गई है। मैं इस पर अपनी आखिरी विश लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो ना। रमाकांत, इस डायरी की एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, इसके आखिरी पेज पर तुम नहीं लिख सकते, इसके आखिरी पेज पर मैं अपनी विश लिखूंगा। तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या लिखने वाले हो इस पन्ने पर? मैं आज से तुम्हारे जैसा, यानी इंसानों के जैसा जीवन जीना चाहता हूँ, और आज से तुम जिन्न की तरह जियोगे। ये कहकर जिन्न ने उस डायरी में अपनी विश लिख दी। उसके बाद वो इंसान में तब्दील हो गया और रमाकांत जिन्न में।